आदर्श जाट महासभा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय युवा जाट संस्कार शिविर का आज बुधवार वीर तेजाजी के दीप प्रज्वलित करके विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पवन जेत बनवाला ने कहा कि जाट कौम को वर्तमान में सर छोटू राम की जरूरत है, जिन्होंने जाट कौम की दिशा और दशा ही बदल दी। समारोह की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान पुलिस के उपाधीक्षक महिपाल जाट ने कहा कि समाज में सहयोगात्मक माहौल बनाने और एक दूसरे की मदद करें ताकि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में समाज को आगे बढ़ाया जा सके। समारोह के विशिष्ट अतिथि CRPF CEO रामचंद्र चौधरी ने कहा कि दुनिया में मेहनत का कोई विकल्प नहीं। उद्घाटन समारोह को विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा ने भी संबोधित किया। उन्हें ये हजम नहीं हो पा रहा है कि आज मेरे देश आदर्श जाट महासभा का 8वां संस्करण है युवा जाट संस्कार शिविर तो पुष्कर में आयोजित किया जाता है हर साल, जिसमें आज हिंदुस्तान से छेट छेट से बंदे आए हुए हैं जो संस्कारित होने के लिए। समाज में हम जो चाह रहे हैं कि जो विकृतियां हैं उन सबको कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर पवनजीत जी बनवाला साहब, प्रदेश अध्यक्ष, उनके सानिध्य के अंदर ये सारा काम हो रहा है। इसमें जो शिविरार्थी आते हैं उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरियर काउंसलर, जाटों का गौरवशाली इतिहास से अवगत करवाना, ताकि हमारे कौम के जो युवा लोग हैं वो संस्कारित सभ्य वो अपने गौरवशाली इतिहास से अवगत हो जाए, उन गौरवशाली इतिहास को अपने ध्यान में रखते हुए अपने भविष्य को मजबूत कर सके, वर्तमान को अच्छे ढंग से निर्मित कर सके, ये हमारे संस्कार शिविर का मुख्य उद्देश्य है।